The Lamb, are you fully trusting in His grace? Or are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are you garment spotless and day white as snow? Are you washed in blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless and day white as snow? Are you washed in blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless and they are white as snow? Are you washed in blood of the Lamb? When the bridegroom come, will the robe be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for His presence bright? Are you washed in blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robes be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for His presence bright? Are you washed in blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless and they are white as snow? Are you washed in blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in blood of the Lamb? Thank you, Lord. हम लोग वचन को पढ़ेंगे। पहला राजा, फर्स्ट किंग्स, पहला राजा, फर्स्ट किंग्स 18 अध्याय, पहला राजा फर्स्ट किंग्स 18 अध्याय 38 से लेके पढ़ेंगे। देन द फायर ऑफ द लॉर्ड, सॉरी मैंने इनको थर्टी सेवन से पढ़ेंगे। हियर मी ओ लॉर्ड, हियर मी, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust, and licked up the water that was in the trench. And when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, the Lord, He is the God, the Lord, He is the God. And Elijah said unto them, take the prophets of Baal, let not one of them escape. And they took them, and Elijah brought them down to the brook Kishon and slew them there.
एंड एलाइजा सेड अनटू आहाब गेट थी अप ईट एंड ड्रिंक फॉर देयर इज ए साउंड ऑफ एबंडेंस ऑफ रेन। महान स्वर्गीय पिताजी, पढ़ा हुआ वचन के ऊपर आपका आशीष होने दें। ये शानदार और शानदार वचन है परमेश्वर, क्यों नहीं ये बात इस अंतिम दिन में नहीं हो सकता है, ये हुआ कर प्रभु। धन्यवाद है परमेश्वर, ये वचन के ऊपर आपका जबरदस्त आशीष होने दें। जो भी भाई लोग और बहन लोग ये ऑनलाइन में सुन रहे हैं प्रभु, सभी को आपका आशीष को दे देना, और इवन यूट्यूब के द्वारा सुनता है और देखता है उन लोग को भी आपका आशीष होने दें परमेश्वर। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, आपका उपस्थिति हमारा बीच में है प्रभु। प्रभु धन्यवाद है, हमारा जैसा कमजोर लोगों को आपने इस दुनिया में उठाया और हमको आपने अनंत काल का जीवन को दे दिया, और हमको आप आपका कृपा से और आपका दया से हमको चलाता है प्रभु। धन्यवाद है प्रभु, हर एक बातों से हमको आपने विजय को दिया प्रभु। हमारा दुश्मन को आपने हरा दिया, हमारा दुश्मन को हमारा पैरों के नीचे कर दिया प्रभु। होने दे परमेश्वर, जो भी ये मिनिस्ट्री और ये सेवकाई का विरुद्ध उठाए प्रभु, वो लोग को पर आपका क्षमा करना वो लोग को, और आपका रास्ते में, आपका जो रास्ते में आने के लिए उन लोग को सहायता और मदद करना। धन्यवाद है परमेश्वर, सारी बातों को आपका हाथ में सौंपते हुए उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल करना, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद दे। और हम लोग देखता है ये सब, आज हम लोग देखता है ये हमारा जीवन में हम भूलेंगे नहीं, वैसा प्रभु का उपस्थिति को हम पा रहे हैं। प्राइस बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, हम उसको अनुभव करता है। ये उपस्थिति हमारे लिए नहीं आया, सच्चाई का वजह से आ रहा है। हम सच्चाई को बात प्रचार करते हैं और हम लोग सच्चाई में खड़ा है। कोई भी कुछ भी विधर्मियों का बात हमारा पास नहीं है, ये हमको मालूम है, क्योंकि हमारा हृदय बहुत खुशी है, क्योंकि परमेश्वर का जो भी बातों में हम लोग बहुत आनंद उठाता है। मैं आज ऐसे ही भाई ब्रानम का सेवंथ सील का एक ऐसा पढ़ रहा था। आप लोग सोचेंगे क्यों सेवन प्यारे प्यारे बहनों, अभी ये सेवंथ सील के बारे में नहीं है, एक सब्जेक्ट है, मगर बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है ये। और मैंने इनका टाइटल जो है एलाइजा पुल डाउन द फायर फ्रॉम हेवन, एलाइजा अंगार को स्वर्ग से खींच दिया, देन रेन फॉलोड राइट बिहाइंड द फायर, और बारिश वो अंगार का बाद में आ चुका आया, अंगार का पीछे से आया। पहला अंगार को एलाइजा ने खींचा स्वर्ग से, बाद में उसका पीछे से बारिश आ गया। बहुत ज़बरदस्त बात है, भाई ब्रैनम ने ये बातों को बोला और वचन के अनुसार इसका हम लोग देखेंगे। मेरा प्यारा भाई बहनों, अंगार और बारिश दोनों भी एक मसीह का जीवन हमारे लिए बहुत आवश्यक का बात है। अंगार और बारिश, जो अंगार है वो आत्मिक है, सुपर नेचुरल है वो, और बारिश भी सुपर नेचुरल अलौकिक है। अभी मेरा प्यारा भाई बहनों, लोग भाई ब्रानम का मैसेज को पढ़ता है, सुनता है, और बहुत सारा लोग आज भाई ब्रानम का मैसेज का पास खड़े हैं, मगर ये लोग अंधा है, क्योंकि जो बातों को प्रभु ने भाई ब्रानम का द्वारा कर दिया और किया, और जो मैसेज को हमारा बीच हमारे लिए लाया ब्रदर ब्रानम ने, इनका हम लोग विश्लेषण कर नहीं सकता है, क्योंकि इतना बढ़िया मैसेज है। वैसे मैंने बोला मैसेज मान, क्योंकि मैसेज प्लेन बोलेंगे तो उसका मतलब ऐसा नहीं है, बड़ा बड़ा बात नहीं उसमें। भाई ब्रानम का मैसेज में सब कुछ बड़ा बात है उसमें, मगर प्लेन इसलिए जो भाई ब्रानम प्लेन बात किया था, चर्च में जाना, कलीसिया को जाना, कलीसिया के नियम को बताया, और कैसा हम ड्रेस पहनना,
कैसा हम लोग जीवन को बिताना, हमारा जीवन कितना शुद्ध शुद्ध रहना, वैस होलीनेस में रहना, ये सब भाई ब्रैनम बताए। उसको बोलता है फॉलो द प्लेन मैसेज, ऐसा तरीके में आप लोग जाओ। मगर भाई ब्रैनम जो गहराई का बातों को बोला, लोग नहीं समझा, वैसा समझ नहीं सकता है। कब तक आपके सामने सातवां मोहरा खुलासा नहीं हुआ, आप इन बातों को आप कभी भी समझेंगे नहीं। मगर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर आज ऐसा काम किया, कुछ लोगों को उन्होंने सातवां मोहरा और सात गर्जना का संदेश का द्वारा रखा, और कुछ सेवक लोग उधर है, हमको बहुत खुशी है। और हमको मालूम नहीं है वो लोग किधर किधर जमा है पृथ्वी में, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा काम कर दिया। ये मैसेज जो सातवां मोहरा का ये मैसेज सब जगह में फैलने का जैसा कर दिया, सभी का बहुत लोगों का पास है, हमको बहुत खुशी है। ऑल राइट, अभी मेरा एक सब्जेक्ट एक जो है, देखिए परमेश्वर अभी इधर हम लोग इसराइल में भी देखेगा, हमको देख सकता है बहुत विधर्मी लोग, फाल्स नबी लोग, झूठा नबी लोग, झूठा शिक्षक लोग, झूठा नबी। मैथ्यू 24 और ये सब हम लोग मालूम है, बहुत 400 झूठा नबी लोग जमा हुआ था, बेल और पेगोर को वो लोग आराधना करता था। हम लोग देखेंगे आज भी वही स्थिति है। रोमन कैथोलिक से 2000 सालों से रोमन कैथोलिक सिस्टम से बहुत सारा चर्चस आ गया, और हमको मालूम है कितना डिनोमिनेशन संस्था वहाँ पर स्थापन हो गया, और ये सब हमको मालूम है सच्चाई से लोग अलग हो गया। जो लोगों ने एक समय पर एक अंगार को देखा प्रगा, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं अंगार को लेकर आया बोला, वॉयस मैं तलवार को लेकर आया बोला एक जगह पर, और मैं अंगार डालने को अंगार लेकर आया बोला, और हमको मालूम है। और जॉन द बैप्टिस्ट वहाँ पर बोलता है मेरा सामने जो खड़ा है वो अंगार और पवित्रात्मा का बपतिस्मा को देगा बोला वो। ये सब वो जबरदस्त बातें मेरा प्यारा भाई बहन। और हम देखेंगे इधर ये एलिजा के बारे में, देखो देखिए ये एलिजा जो ऐसा है, एलिजा का मिनिस्ट्री में बोलना चाहता हूं, द मिनिस्ट्री ऑफ एलिजा, द मिनिस्ट्री ऑफ एलिजा। अभी भाई ब्रैनम का नाम भाई ब्रैनम ही भाई ब्रैनम के मिनिस्ट्री, मगर हम अभी एलिजा के बारे में बोलेंगे। एलिजा तभी भी था, अभी भी एलिजा है। हमको हम आश्चर्य होने के जरते 20th सेंचुरी में वही एलिजा, उससे भी जबरदस्त, उससे भी तगड़ा सेवक आए, उससे भी मजबूत सेवक आए। ये हमारा अन्य जात का जो काल में, अन्य जात का काल में वो सेवक आ गए। हम लोग उनके बारे में सुना, हालांकि हम वो सेवक को आमने सामने होते हुए देखा नहीं, मगर हमारे लिए पवित्र आत्मा ने पूरा पूरा बता दिया कैसा एलिजा का सेवकाई, एलिजा ने कैसा प्रभु ने एलिजा का सेवकाई को मजबूत कर दिया पृथ्वी में। हाँ, हम लोग हमको मालूम है बाइबल के अनुसार 5 बार एलिजा आना है, 5 बार एलिजा का आना है। पहला बार एलिजा आ गया, वही जो है मैं अभी पढ़ा हुआ वचन का अनुसार वैस, और दूसरा बार वही आत्मा एलिशा का ऊपर आ गया, तीसरा बार वही एलिजा का आत्मा जॉन द बैप्टिस्ट का ऊपर आ गया, चौथा बार अब बोलता है हमारा समय में वही एलिजा का आत्मा विलियम ब्रैनम के ऊपर आ गया, और 5वां बार वही एलिजा इसराइल में आने वाले, वो आखिरी है। और कुल मिला के हम देख सकते हैं बाइबल का अनुसार, बाइबल का टीचिंग में, बाइबल से हमको मालूम होता है एलिजा 5 बार पृथ्वी में आ सकता, एलिजा का सेवक आए, द मिनिस्ट्री ऑफ एलिजा 5 times 5 बार पृथ्वी में आएगा। अभी कितना बार आएगा तो भी एलिजा का महान काम को देख सकते हैं। मगर इधर वेरी इंपॉर्टेंट बातों को मैंने इधर बोलना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजा आया और कैसा आया, क्या उनका मिनिस्ट्री था। लोग आज मेरा प्यारा भाई बहनों विलियम ब्रैनम का नाम लेता है, सब कुछ करता है, मगर उनका मिनिस्ट्री, उनका सेवकाई में क्या हुआ, ये बातों को ये इनको वो लोग मानता नहीं है।
मैं एक कोर्स को पढ़ना चाहता हूँ शुरू करने का पहले, ये बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स है भाई ब्रैनम का, सेवंथ सील से मैं निकाला सेवंथ सील 1963 24th ऑफ मार्च सेवंथ सील। अभी इधर भाई ब्रैनम क्या बोलते आप लोग सुनिए, मे आई जस्ट पास दिस टू यू, मैं ये बातों को आपके सामने लेके आ रहा हूँ। When the supernatural comes in, कभी अलौकिक आता है, that is the mind of Christ, वो जो है मसीह का मन है, वो जो है मसीह का मन है। You become so far away from your own thinking till your own mind, आपका mind अलग होता है। ये दुनिया से बहुत लंबा आता है दुनिया का चीजों से। डोंट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, मेरे को ये मत बोलना, ये मत करना, उसको विवरण करो अनकोट। भाई ब्रैनम का मतलब क्या है, ये सुपरनेचुरल जो है, अभी सुपरनेचुरल बोलेगा अलौकिक है, आप लौकिक नहीं है, ये दुनिया का चीज नहीं है, आपका मन का आलोचन नहीं है। अभी आपका मन का आलोचन बहुत सारा है, ये बात बोलता है मैं, अब बहुत कुछ सोचेगा, अब बहुत कुछ फिगर आउट करेगा, अब बहुत कुछ आप बाइबल को पढ़ेगा, अपना मन का अनुसार आप इनको करें, मगर द होल बाइबल इज द सुपर नेचुरल। हाउ मेनी से मैन, सारा बाइबल वो सुपर नेचुरल है, अलौकिक है। आप इनको अपना माइंड से पढ़ नहीं सकता है, बाइबल को अपना माइंड से पढ़ना, माइंड से उनका देखना, वैसे ही भाई ब्रैनम का मैसेज को भी आप अपना माइंड से उसको पढ़ना, अपना माइंड से उसको सुनना, ये गलत बात है। बहुत लोग आज चर्च छोड़ के टेप रिकॉर्डर को रखता है, टेप को रखता है और सुनता है। मेरा प्यारा भाई बहन, ये सब गलत बात है, ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब आप लोग सोचते हैं आप लोग सुपर स्पिरिचुअल है करके, आप लोग अभी भी लौकिक है, अलौकिक नहीं है। क्योंकि इधर भाई ब्रैनम बोलता है जो मेरे को उसका विवरण करने को मत सोचना, मैं विवरण कर नहीं सकता है, क्योंकि ये सुपरनेचुरल है। सुपरनेचुरल बोलेगा तो मसीह का माइंड है, वैसे मसीह का मन है। सुपरनेचुरल बोलेगा तो क्या है, भाई ब्रैनम बोलता है सुपरनेचुरल मींस योर माइंड बिकम माइंड ऑफ क्राइस्ट, आपका मन मसीह का बद होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका मन आपका हाथों में नहीं आ, आपका नियंत्रण में नहीं है, आपका मन मसीह का मन है। अभी मसीह का मन बोलेगा तो ये मसीह का मन अलग है, सुपरनेचुरल है, वो अलौकिक है। परमेश्वर क्या है, वो प्रभु का योजना है, मसीह का मन में परमेश्वर का जो इच्छा है उधर प्रभु का इच्छा है। और इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ ये मसीह का मन जो है वो प्रभु का इच्छा है, वो अलौकिक है, क्योंकि प्रभु चाहता है ये सब कुछ अलौकिक है। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, अभी भी हम क्या सोचते हैं, एक बात बोलते हैं, अरे टोकन आएगा तो अच्छा था, हमको भाई ब्रैनम टोकन के बारे में बोला, ये टोकन आएगा तो अच्छा है, ये हमारा सोच है, हम विश्वास करते हैं, ये ठीक बात है। आप विश्वास करता है, आप टोकन आने के लिए आप प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए आप तड़पते हैं, ये सब अच्छा बात है, मगर अलौकिक एक बात जो है अलग है, वो अलौकिक जो है आप दुनिया से, आपका माइंड ये दुनिया से अलग होना, दुनिया से टोटली अलग होना, मसीह का मन बनना, मसीह का माइंड होना, वैस मसीह का माइंड, वैस आपको आप पूरा तरीके से आपका माइंड में वैस मसीह का माइंड होता है, वैस तभी क्या होता है, जबरदस्त प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड उधर होता है, जबरदस्त परमेश्वर का उपस्थिति वहां पर होता है, वैसे बहुत बढ़िया बात है। इसलिए भाई ब्रैनम क्या बोलते हैं, मेरे को आप लोग सोचो मत, आप लोग बोलो मत उसका विवरण करने के लिए, वो विवरण कर नहीं सकता है। ऑलराइट मेरे से नहीं होएगा वो विवरण करने के लिए, वैस देयर इज नोबडी कुड डू इट, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। हाउ कुड दैट मैन, अभी बोलता है हाउ कुड दैट मैन, दैट इज एलाइजा स्टैंड अप देयर ऑन द माउंटेन, जैसा वो एलाइजा ने वो पहाड़ के ऊपर खड़े होते हुए, देखो अभी सीधा इधर एलाइजा को भाई ब्रैनम लेकर आया, देखो इसका मतलब भाई ब्रैनम सॉरी भाई एलाइजा वो पहाड़ का ऊपर खड़ा था कैसा था वो वैस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। हाँ एलाइजा वहां पर खड़ा था,
और हम लोग देख, भाई ब्रैनम इधर बोला, जल्दी जाओ एलाइजा को हम लोग देख सकता है। ओ यस, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। ये इन बातों से जब बिजली गया, इसलिए आप लोग थोड़ा इवन यूट्यूब देखने वाला भी जरा देखो, बिजली इधर से निकल गया। ऑल राइट माँ, मेरा प्यारा भाई बहनों, ये जबरदस्त बात है। एलाइजा को अभी इधर भाई ब्रैनम बोलता है, अभी एलाइजा देखो वो पहाड़ का ऊपर खड़ा था, वयस पहाड़ का ऊपर एलाइजा खड़ा था। और क्यों खड़ा था, कुछ बात है उधर एक्चुअली, तो वो सब सुपर नेचुरल, हाँ अलौकिक का तरीका है, वो अलौकिक अलौकिक का जरिया से होने वाला बात है, अलौकिक चीज है। वयस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। वयस ऑल राइट, माउंटेन अंडर द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उन्होंने एलाइजा ने वो पहाड़ का ऊपर प्रभु का प्रेजेंस उपस्थिति के अंदर खड़ा था वो। हे मैन, हर एक विश्वासी, हर एक मनुष्य ये बातों को देखना चाहिए। अभी एलाइजा वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति में खड़ा था वो पहाड़ के ऊपर। मेरा प्यारा भाई बहनों, हर एक विश्वासी, हर एक बिलीवर ये बातों को हमेशा ध्यान में रखना, हम परमेश्वर का उपस्थिति में होने से हर बात हमको समझता है, हर बात हम समझता है, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति है, प्रेजेंस, प्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड जो है वो अलग है, वो अलौकिक है। आप लोग सोचा जैसे नहीं है, अभी आप लोग खड़े हो, अभी प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड उधर आ गया, आप पूरे का पूरा चेंज होता है, आपका मन बदल होता है, जो प्रभु का वचन फ्लो होता है उधर। वैसे हम लोग अनुभव किया, मगर हम उसके बारे में बोलने, कोई भी बोल नहीं सकता है, ऐसा उपस्थिति का अंदर एलाइजा खड़ा था। एलाइजा दुनिया से अलग था, एलाइजा हालांकि अहाब और जेजेबेल का जो राज में होते हुए भी परमेश्वर को उपस्थिति में खड़ा था। आज हम लोग भी ये दुनिया का, ये संसार में होते हुए भी, ये संसार में हम लोग होते हुए भी, हम लोग परमेश्वर का उपस्थिति में एलाइजा का जैसा खड़ा होना चाहिए। अभी हम लोग देखता है ये इधर भाई ब्रैनम वो एलाइजा को दिखाता है, मगर मैं बोलता है भाई ब्रैनम खाली एलाइजा को दिखाता है, मगर हमारा एलाइजा, हमारा समय का एलाइजा, हमारा समय का एलाइजा उसी तरह परमेश्वर का उपस्थिति में खड़ा था। Amen. Amen. Oh, yes. और अलौकिक का, अलौकिक में था वो, सुपर नेचुरल में था। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हमारे समय का एलाइजा में बोलता है, अभी भाई ब्रैनम डायरेक्ट इधर बोलता है एलाइजा पहाड़ के ऊपर गया, प्रभु को उपस्थिति में वो खड़ा था बोलता है। किसके लिए, अभी आगे पढ़ना पड़ता हूं मैं। वेस प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। मेरा प्यारा भाई बहनों, एलाइजा कितना बार, एलाइजा का मिनिस्ट्री वैसा है, एलाइजा का मिनिस्ट्री मुकाबला करने वाला, चैलेंज करने वाला सेवक आई। कैन यू से आमेन? एलाइजा का मिनिस्ट्री परमेश्वर को दिखाने वाला, परमेश्वर के सामर्थ्य को डिस्प्ले, क्या बोलते हैं, प्रदर्शन करने वाला। एलाइजा का मिनिस्ट्री सारा दुनिया का सारा ताकत को हराने वाला। एलाइजा का मिनिस्ट्री सारा विधर्मियों को नाश करने वाला। ये एलाइजा का मिनिस्ट्री, इस अंतिम दिन में एलाइजा वही उद्देश्य लेकर आ गया हमारे बीच में। वैसे 2000 सालों से हम देखते हैं, डिनोमिनेशन को देखते हैं हम लोग, 2000 सालों में हम क्या देखा, संस्था को देखा, यीशु मसीह को नहीं देखा, संस्था को देखा, क्योंकि यीशु मसीह हमको दिखाई नहीं दिया। हाँ, हम घर में फोटो रख के वो फोटो को देखता था, मगर वचन के द्वारा यीशु मसीह हमको मिला नहीं, दिखाई नहीं दिया। यीशु मसीह कौन है, ही इज द वर्ड, वो जो है वचन है, यीशु मसीह इज द वर्ड, प्रभु यीशु मसीह वचन है, वयस अलावा और कुछ भी नहीं है। मगर हम वचन को देखा 2000 सालों में, हम मेरे प्यारे भाई बहनों, विधर्मियों का आवाज को देखते आया, हजारों हजारों ऊपर संस्था को हम लोग देखा, संस्था का जो सेवकाई को देखा, हम थक गया, हम संस्था को देखने के लिए पृथ्वी में नहीं है,
हमारा खास मकसद हमारे हृदय के अंदर हमारा हृदय का गहराई में अलग चीज था। हम और एक और कुछ चीजों को देखने के लिए खड़ा था। हमारे हृदय में ऐसा आशा था, हमारे हृदय में हम परमेश्वर के लिए तड़प रहा था, हमारे हृदय में हम प्रभु को देखने के लिए तड़प रहा था। हमको प्रभु नहीं मिला। हम बहुत सारा प्रीस्ट को देखा, याजक लोगों को देखा, अधर्मी लोगों को देखा, विधर्मी लोगों को देखा, मगर परमेश्वर को नहीं देखा। मगर हमको एक मौका मिला प्रभु को देखना। वो मौका कभी मिला मैं बताता है, एलाइजा का वजह से हमको मिला। एलाइजा आने से हमको प्रभु को देखना ये मौका हमको मिला। आज हम लोग बड़ा बड़ा बात करता है, सेवंथ सील बोलता है, सेवंथ थंडर बोलता है, बिना एलाइजा को आप एलाइजा का मिनिस्ट्री को समझते हुए आप सातों मार्ग को देख नहीं सकता है। आपको और मेले को फैला एलाइजा मालूम होना चाहिए। एलाइजा का वजह से हम आज इतना आशीष को पाया। एलाइजा का वजह से हम आज परमेश्वर का शकल को देखने के लिए हमको हो गया, क्योंकि एलाइजा ने हमको ऐसा कर दिया। एलाइजा का सेवक है एक सुपरनेचुरल सेवक है ये। इसलिए भाई ब्रैनम इधर बोलता है, मेरे से पूछो मत, मैं उसका विवरण कर नहीं सकता है सुपरनेचुरल क्या है करके। और मेरे से वो बातों जाने के लिए आप कोशिश मत करना, कोई भी उसका विवरण कर नहीं सकता है। और बाद में बोलता है एलाइजा ने जाके पहाड़ में खड़ा हो गया बोलता है, वयस पहाड़ में खड़ा हो गया और किधर तो परमेश्वर का उपस्थिति में था। ये कौन सा वो एलाइजा को भाई ब्रैनम दिखाया, मगर इधर ये एलाइजा भी परमेश्वर का उपस्थिति में खड़ा है। वयस ये भी एलाइजा प्रभु का उपस्थिति में खड़ा है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, ब्यूटिफुल है। परमेश्वर को उपस्थिति का अलावा कुछ नहीं होता है। ये एलाइजा भी वही काम किया। ऑलराइट, और सुनो आगे पढ़ता हूं और बराबर सुनो। ये बहुत ब्यूटीफुल शॉर्ट कोर्स को मैंने लिए निकाला। ऑलराइट, एंड पुल डाउन फायर फ्रॉम हेवन। आमेन, आमेन। पुल डाउन बोलेगा तो स्वर्ग से अंगार को खींचा। Can you say mana? Yes, स्वर्ग से अंगार को खींचा नीचे। Can you say mana? Yes, वो एलाइजा का सेवक है ये। एलाइजा का सेवक है ये, 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 ये अंगार से परमेश्वर को खींचना। अंगार और परमेश्वर ये की है इधर। Yes, प्रभु के नाम को धन्यवाद है। Yes, एलाइजा पहाड़ के ऊपर खड़ा था सुपरनेचुरल अलौकिक रूप से। कोई संस्था को ये नहीं करता है, वो संस्था का प्रतिनिधि नहीं है, वो कोई संस्था से आया नहीं है, परमेश्वर से आया हुआ एक सेवक है। परमेश्वर ने उसको उठाया। हमारा भाई ब्रैनम को भी प्रभु ने उठाया। भाई ब्रैनम कौन है? एलाइजा है। वही सेम टू सेम मिनिस्ट्री। यस, पहला एलाइजा को आप लोग समझने की कोशिश करो। हमारा समय में भी मेरा प्यारे भाई बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी अंगार क्यों प्रश्न है इधर, क्यों अंगार को स्वर्ग से खींचा? सब लोग बोलता है अरे एलाइजा ने अंगार को बुलाया और वेदी में जितना जो है पूरा फाँ वो उसको निकाल दिया और सब विदर्भी लोगों को अंगार ने ध्वंस कर दिया करके बोलता है, ध्वंस कर दिया। वैसे मगर इधर बहुत बड़ा बात है इधर। वैसे एलाइजा क्या कर रहे है अभी? एलाइजा हमारे समय में भी एलाइजा क्या किया? कितना जबरदस्त अंगार है ये। अंगार क्या है? अंगार जो है उसका मैसेज है। यस, द फायर द मैसेज ऑफ गॉड। अंगार स्वर्ग से खींचा हो परमेश्वर का जो अंगार और पिलर ऑफ फायर जो उसका ऊपर जो है पिलर ऑफ फायर है। यस, एलाइजा का ऊपर वही पिलर ऑफ फायर, वही अंगार, वही अभिषेक, वही एनॉइंटिंग। खाली ब्रैनम के लिए नहीं आया, उतर गया वो और एलाइजा उसका शुरुआत कर दिया। एलाइजा बुलाया वो अंगार को। How many say amen? There is someone should be there to call the fire from the heaven. कोई ना कोई वहां पर होना चाहिए वो अंगार को बुलाने के लिए स्वर्ग से, और कोई नहीं है मगर एलाइजा है। Yes. अगर वो अंगार नहीं आता था ये विदर्भी लोग नाश नहीं होता था। आज इतना विदर्भी लोगों को विदर्भी लोग को नाश करने वाला जो है अंगार है
हमारे बीच में है, वो फायर हमारे बीच में है, वो अंगार हमारे बीच में है, क्योंकि एलिजा ने वो अंगार को बुलाया। कैन यू से मैन? यस सर। ओ यस, एलिजा के अलावा कोई भी अंगार को बुला नहीं सकता है। अंगार कौन है ब्रदर वाटसन? अंगार जो है प्रभु है। ओ यस, प्रभु जो है अंगार है। ओ यस, आपको मालूम है बाइबल क्या बोलता है? गॉड इज ए बर्निंग फायर। वो अंगार है, वो अंगार का समान है। और एलिजा ने क्यों अंगार को बुलाया? क्यों अलग सारा झूठा शिक्षा को नाश करने के लिए, सारा झूठा नबी लोगों का शिक्षा को नाश करने के लिए, सारा झूठा नबी लोग ये संस्था का पूरा ये अंधकार को नाश करने के लिए अंगार को बुलाना जरूरी था। इसलिए वो अंगार को बुलाया। अंगार आने से पूरा जला दिया, जला के राख बना दिया। आज भी वैसा है। आज एलिजा अंगार को बुलाया। एलिजा के जमाने में, एलिजा के सेवकाय में अंगार स्वर्ग से आ चुका है। हाउ मेनी से मैन? ओएस, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। ओएस, पहला अंगार आना ही चाहिए। बिना अंगार आने से कुछ भी फायदा नहीं। अंगार आना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यार भाई बहनों, अंगार आने से हमारा हृदय से ये पूरा अधर्म निकल जाता है। प्रभु को देखने का पहले सातवां मोहरा आपको बराबर सुनो, सातवां मोहरा आप देखने का कौन है? क्या है सातवां मोहरा? सातवां मोहरा जो है प्रभु है। द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द सेवंथ सेल। सातवां मोहरा जो है प्रभु है। वो उनको देखने का पहले, उनको पहचानने का पहले आपके अंदर का अधर्म अविश्वास सारा तरीके का विधर्मियों का बात जलना जल के राख होना चाहिए। कैन यू से मैन? यस। इसलिए एलिजा साधारण के लिए पूरा पहला चांस दिया। वो सारा संस्था मौका उठाया, इसका फायदा उठाया, चिल्लाया। आखिरी का जो है पेंटेकोस्टल रिवाइवल, नामदारी पेंटेकोस्टल चिल्लाया। एलिजा ने उसको समय दे दिया, कुछ भी करने के तो करो, आखिरी का जो समय है मेरा है। इवनिंग टाइम, शाम का समय का मैसेज बोल सकता है, शाम का समय का मैसेज। आखिरी सवेरे से लेके शाम तक, शाम का समय में एलिजा ने अंगार को बुलाया स्वर्ग से। बस ब्यूटीफुल है प्रभु। आज आप सबको बताना, आज आपको सभी को दिखाना आप कौन है करके, वैसे ताकि आपका नाम महिमा होने दे। क्या छंगाई के द्वारा लोग उसको पहचाना, वो बात अलग है। छंगाई के द्वारा, छंगाई का जो क्या बोलता है सेवकाई कर दिया भाई ब्रैनम के समय में, बहुत ज़बरदस्त हीलिंग कैंपेन हो गया, बहुत लोग छंगाई पाया और दो की जगह सब। ये बात को छोड़ दो आप, उससे भी बढ़िया बात है इधर। परमेश्वर को, परमेश्वर अंगार के द्वारा उतर के आया पृथ्वी में, अंगार के द्वारा। Can you say man? Yes sir. एलिजा का मिनिस्ट्री है स्वर्ग से अंगार को खींचना। एलिजा का मिनिस्ट्री है, एलिजा ने अंगार को खींचा, एलिजा का मिनिस्ट्री है वो। वयस, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, क्योंकि एलिजा का समय का स्थिति भी, अभी का स्थिति भी एक ही है। जेजेबेल का समय वेश है वो, हम भी वेश का समय में रहता है। वेश है, जेजेबेल है, डिनोमिनेशन है, संस्था है, रोमन कैथोलिक डॉक्ट्रिन है, और विलियम ब्रैनम का मैसेज में रहने वाले भी वेश लोगों का बेटे लोग है, वेश लोगों का। वयस कोई फर्क नहीं है, पूरा विधर्म से भरा है, वैस विधर्म से भरा है, हेरेसिस में भरा है। अगर इसको जलाने के लिए, इसको नाश करने के लिए अंगार का जरूरत है, और एलिजा अंगार को पुकारा, अंगार उतारा और सभी का डॉक्ट्रिन को जला के रखा। आज हमारे समय में वही अंगार को हमारा एलिजा भी बुलाया, और सबका डॉक्ट्रिन, सबका झूठा शिक्षा, झूठा डॉक्ट्रिन, झूठा नबी लोगों का शिक्षा सब नाश हो गया। वैस ये अंगार के सामने खड़ा नहीं रहेगा। कौन नाश करता है? अंगार नाश करता है। किधर से आया? स्वर्ग से आया। कौन बुलाया? कौन खींचा? एलिजा ने खींचा। हमारे समय का एलिजा भाई विलियम मारियन ब्रैनम वो अंगार को बुलाया, और अंगार आने से सभी का सब झूठा शिक्षा पूरा खत्म हो गया। आप लोग को क्या सोचते हैं? वाटसन हरा दिया? वाटसन हरा नहीं सकता है ऐसा डॉक्टर, उसका डॉक्ट्रिन को वाटसन को इतना ताकत है?
नहीं है मगर अंगार है। एलाइजा बुलाए हुआ अंगार है, एलाइजा बुलाए हुआ अंगार है। एलाइजा ने तो बुलाया, खींचा उसको, फुल बोलेंगे तो इंग्लिश में PULL फुल बोलेंगे तो खींचना, अंगार को खींचा वो। और सबको मालूम पड़ गया प्रभु है करके। मेरा प्यार बहन बहनो, प्रभु है करके मालूम पड़ने के लिए आप खाली छंगाई को देखिए, आप मत करो। सब लोग छंगाई करता है वैसे, ये जो ये दो खिंचाव को सब लोग किया, मगर परमेश्वर असली में लोग कभी देखा मालूम है? असली में लोग परमेश्वर को देखे था जो वो, क्योंकि अंगार आके जला दिए सबका डॉक्ट्रिन को, अंगार आके सबका वेदी के पास जो भी डालने को बोला सब कुछ जला के रखा है। वैसे उतना नहीं बाल और फेगोर का जो अनुयायी लोग है, जो उसका पीछे छेले लोग है, सबको जला के रखा है। आज आप लोग देखिए कि एलाइजा ने बुलाया, एलाइजा का मिनिस्ट्री का पहला काम यही है अंगार को बुलाना। आहा, सुपर नेचुरल अंगार है ये, वैसे स्वाभाविक नहीं है, उधर स्वाभाविक में हो गया मगर आज सुपर नेचुरल में अंगार आ चुका है, पावरफुल अंगार है ये। सबका 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 डॉक्ट्रिन चला के राख कर दिया। कैन यू से amen? वैसे स्वर्ग से उतर के आया वैसे, और सब लोग देखा, सब लोग को था जो, क्योंकि वह बहुत डिनोमिनेशन लोग चिल्ला रहा था, कुछ भी जवाब नहीं है, मगर प्रभु अभी अंगार के द्वारा जवाब दे दिया। हाउ मेनी से amen? वैसे अंगार के द्वारा जवाब दे दिया। आज हमारा समय में भी वही अंगार को, मैंने खुलेआम अंगार को देखा, वैसे अंगार आने से सबका डॉक्ट्रिन चला के राख कर दिया। सभी नबी लोगों उधर जल दिया, जला दिया अंगार का, अंगार से जला दिया, कोई भी उठक नहीं अंगार के सामने। वैसे एलाइजा का एक बहुत बड़ा चमत्कार है, इससे बढ़िया जो मिराकल, इससे बढ़िया चीज एलाइजा का मिनिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। हाँ, मुर्दा उठना वो सब ठीक बात है, मगर ये बहुत बढ़िया है मेरे लिए, ये बढ़िया है मेरे लिए, मुर्दा उठना मेरे लिए, मेरा प्राण को क्या बोलते हैं, मेरा प्राण को जिलाएगा नहीं। हाँ, मेरा जीव मेरे लिए जो लंगड़ा ठीक होना मेरे को कुछ भी फायदा नहीं देगा। हाँ, अंधे को आंखा मेरे को फायदा नहीं है, मगर ये मेरे को फायदा देता है, क्योंकि ये अंगार को, ये अंगार वैसे सारा झूठा शिक्षा को जला के रखा है। ये अंगार जो विलियम ब्रैनम का मैसेज जो है वो अंगार है, दैट इज द फायर, वो जो है मैसेज जो फायर है वो जला के रखा है। हाउ मेनी से amen? वैसे हालांकि उधर बारिश नहीं था, क्योंकि झूठा नबी लोगों का वजह से, और कुछ भी नहीं था उधर, बारिश बोलेगे तो रिवाइवल टोकन वैसे, मगर वो टोकन ऐसे नहीं आता है। टोकन आने के पहले विधर्मियों का पूरा जलना चाहिए, वैसे पूरा डॉक्ट्रिन को जला के नाश करने, राख करने का है। वैसे नहीं तो कैसा रिवाइवल आएगा भाई, कैसा टोकन आएगा? दिस इज द सुपर नेचुरल में बोलता है, यही जो है अलौकिक है, यही जो है सुपर नेचुरल है। हाँ, आप कैसा बोलते हो? आपको अगर सेवन सील सेवन थंडर बड़ा बड़ा बात करते हो, ये बातों को देखो। और वहां पर जमा हुआ लोग, एलाइजा ने वापस वेदी को बांधा, जो गिरे हुए वेदी, आज वो टाइप जो है, आज प्रेरित लोगों का डॉक्ट्रिन है, अपोस्टल लोगों का डॉक्ट्रिन है, प्रेरित लोग जो रखा हुआ चीज है, वैसे वो पूरा 2000 सालों से निकल गए, इधर भी सालों से वो नहीं था, उसको रिपेयर कर दे, ठीक कर दिया, ये एलाइजा का मिनिस्ट्री है, क्योंकि वो ठीक करने से, और ठीक करने के बाद ही वो अंगार को बुलाया। हाउ मेनी से amen? कैन यू गिव द प्रेज ऑफरिंग? और पूरा राउंड में पानी डालने को बोला, वो वैसे शुद्ध करने को, शुद्ध कर दिया, शुद्ध होना चाहिए वैसे शुद्ध। और बाद में बुलाया वो, प्रभु अगर आप है वैसे आज सबको दिखाना आप कौन है करके। प्रभु क्या कैसे दिखे? अंगार से जवाब दे दिया, अंगार से जवाब दे दिया, अंगार के द्वारा जवाब दे दिया। हाउ मेनी से amen? और अंगार गिरा और एलाइजा ने उसको खींचा,
वो अंगार को स्वर्ग से खींचा और स्वर्ग से अंगार आने से सभी डॉक्ट्रिन वहां पर जल गया। वॉयस एलिजा का मिनिस्ट्री। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। वॉयस पुल डाउन द फायर एंड देन रेन बिहाइंड द फायर, और उसके पीछे से बारिश आया। एंड देन क्लोज द हेवंस एंड डिडंट रेन फॉर 3 years 6 months एंड गो राइट बैक एंड कॉल द रेन ऑन द सेम डे। वैसे रोका बारिश को, वापस बारिश को बुलाया, वैसे उसी दिन बारिश को गया अंडर द एनॉइंटिंग एंड अंडर दैट एनॉइंटिंग वही अभिषेक का नीचे। वैसे एंड टुक 400 प्रीस्ट आउट एंड किल्ड देम, 400 याजक लोगों को मार दिया। एंड देन रन टू द विल्डरनेस स्क्रीमिंग फॉर हिज लाइफ, और जंगल में भाग के अपना जान के लिए चिल्लाया, क्योंकि जेजेबेल का वजह से वयस ऑल एंड ऑल द हब एंड ऑल ऑफ देम वाज देयर टू सी द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड द ग्रेट मिरेकल डन। वहाँ पर अहब था और सभी लोग था, वो लोग वहाँ पर जमा होते हुए परमेश्वर को उपस्थिति को देखा, परमेश्वर को उपस्थिति को वो लोग देखा एलिजा का वजह से। हम आज भी हम देखे मेरे प्यार भाई बहन, आप लोगों को भाई ब्रैनम बोलते हो, हजारों बार उसका नाम लेते हो, एक मामूली हो गया आपको वो नाम। हमको नाम मामूली नहीं है, हम नाम को मामूली भी नहीं करते, हमको मैसेज जबरदस्त है, मैसेज पावरफुल है। और मैं विश्वास करता हूँ वही जो है अंगार है आज, वही मैसेज, वही वर्ड ऑफ गॉड, वही जो है संदेश जो है, वही जो है अंगार है मेरे लिए और आपके लिए। वयस और वो उपस्थिति के द्वारा हो चुका है, सुपर नेचुरल अलौकिक तरीका से। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। वयस ये एलिजा ने कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि ये एलिजा करना ही चाहिए, नहीं करेगा बारिश पीछे से आउटपोरिंग नहीं आ सकता है। आउटपोरिंग आने के लिए पहला अंगार आना चाहिए, क्या नहीं उससे मैंने पहला अंगार आना चाहिए। वो अंगार जो है वो मैसेज भाई ब्रैनम का मैसेज अंगार का रूप में है, पूरा जला के राख बना दिया। कैन यू से मैन, और प्रभु अंगार का रूप में उतर के आया, पिलर ऑफ फायर जो है, जो अभिषेक है उसका ऊपर। वो पिलर ऑफ फायर क्या है? भाई ब्रैनम के ऊपर का पिलर, वो अभिषेक है, अनॉइंटिंग है, वो ऊपर से उतर के आया और उसका ऊपर बैठा। सब लोग देखा, सबको आश्चर्य हो गई क्या है करके, क्योंकि वो अंगार का रूप में दिखाई देता है और उसी उसका द्वारा मैसेज आ गया। वयस और हम लोगों ने सुना, सब झूठा शिक्षा, झूठा नबी लोग सब वहां पर खत्म हो गया, मार दो, क्योंकि इधर दिया प्रीस्ट याजक लोग नबी लोग। वयस मेरे प्यार भाई बहनों, ये बात तो आज हमारे समय में हम आंखों से देख रहे हैं। आप वो एलिजा को देखने का देख के महसूस करो मत, हमारा समय का एलिजा को देखो, ये काम हो गया, मैं विश्वास करते हैं अंगार आ गया। और ऐसा याजक लोगों का शिक्षा, याजक लोगों का डॉक्ट्रिन, उसको पूरा जला के राख बना दिया, कुछ भी नहीं है। आज मैं बोलता है ये सब संस्था का, ये सब इवन विलियम ब्रैनम के मैसेज में रहने वाला, बड़ा बड़ा बात करने में, ये सब लोग मेरा प्यार भाई बहनों, ये मैसेज का द्वारा खत्म हो गया, क्योंकि भाई ब्रैनम के मैसेज से खत्म हो गया। वयस दैट इज द फायर फ्रॉम द हेवन, और एलिजा ने उसको खींच लिया, और उससे मालूम पड़ता है परमेश्वर है करके। मैं आज बोलता है चिन्ह और चमत्कार को देख के परमेश्वर है करके आप सोचते हो, गलत है वो, क्योंकि यीशु मसीह बोला, क्या बोले यीशु मसीह ने, व्यभिचार संतान भी उसके लिए खड़ा है, ये सब व्यभिचारी संतान के लिए रखा हुआ चिन्ह है, मगर ये जो फायर है, अंगार है, ये जो मैसेज है, ये जो वर्ड है, दी वर्ड है, माय गॉड, इससे मेरे को मालूम पड़ता है प्रभु है हमारा बीच में, प्रभु उतर के आया, क्योंकि एलिजा ने खींचा वो फायर को, हालेलुया। और वो फायर आने से सारा सारा दुष्ट कर्म, दुष्ट बात, अधर्म सब खत्म हो गया, क्योंकि वो नहीं होने से टोकर नहीं आ सकता है। वयस हमारे जीवन में, क्योंकि वह अंगार सबको
जला के राख कर दिया। आपको मालूम है अंगार को बुलाने से अंगार सबको सब झूठा शिक्षा को राख कर दिया। जेजेबेल को सिर दर्द हो गया, झूठा नबी लोग सब मर गया, प्रीस्ट लोग मर गया, वो लोग का शिक्षण सब मर गया। ये अंगार वो लोग को जला के राख बने। आज आज का स्थिति क्या है, वही स्थिति को आज हम देखता है। बड़े बड़े इधर भी लोग नाश हो गया मेरा प्यारा भर बहन। वैसे क्यों हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अंगार वो लोग को जला के राख बना दिया। कौन बुलाया अंगार को? एलिय्याह ने बुलाया। एलिय्याह के समय में अंगार आ गया, क्योंकि बारिश आने का पहले अंगार आना आवश्यक है, बाद में बारिश आएगा। वो पहला अंगार आना चाहिए। इधर भी पहला अंगार आ गया, वैस अंगार आके जला के राख बना दिया। वैस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। और मेरे फेर बैर पे जो लोग बाल और फिगर को नमन करता था, ये क्या बोलते हैं अनुयायी लोग, चेले लोग बाल और फिगर को ये करता था, वो लोग किधर? सबको जला दिया। अंगार पावरफुल अंगार है। हमको महसूस होता है वो अंगार? क्या आपको महसूस होता है वो अंगार कैसे जलाता है? जला के राख बना के रखा है, माय गॉड। मगर जो लोगों का घुटनाटा बाल और फिगर के लिए नहीं नमन करता था, वो लोग उधर बचा के प्रभु ने रखा। 7,000 मैन, 7,000 लोग, और प्रभु ने ऑडिबल आवाज से बात किया एलिय्याह से, वो लोग को मैं बचा के रखा है। 7,000 लोगों को मैंने बचा के रखा। कैन यू से मैन वयस? और आज हम देखता है मेरा फेर भर बहनों, परमेश्वर ने बचा के रखा वो लोग आज खड़ा है। वयस यंगार बाकी का पूरा फॉल्स डॉक्ट्रिन को पूरा ध्वंस करके रखा। ध्वंस हो गया बारिश आने के पहले, टोकन आने के पहले, पवित्रात्मा का बापतिस्मा आने के पहले। वयस ये सब होना चाहिए, इसलिए एलिय्याह का मिनिस्ट्री सही है। उसका बाद ही सातवां मोहरा खुलासा होता है। हाउ मेनी सेमन? 7th सेल, 7th थंडर, उसका बाद आने वाला बात है। और पहला ये ध्वंस होने के बाद प्रभु खुले आम हमको दिखाई देगा, क्योंकि उसका पीछे से आया बारिश। बारिश जो है टोकन है, टोकन जो है वयस। और बाइबल में बोलता है जो बारिश का एबंडेंस ऑफ रेन वयस। अभी रेन का रेन आना चाहिए, बारिश आना चाहिए। वयस पूरा जला के रखा एलिय्याह का अंगार। वयस एलिय्याह का अंगार पूरा जला के रखा, अभी बारिश उसके पीछे से आने वाला है। कोई शक नहीं, कोई अविश्वास नहीं उसके बारे में। बारिश आएगी, क्योंकि अगर एलिय्याह अंगार को बुलाया, अंगार आ गया, अभी उसका पीछे से आने वाला जो है बारिश है। वही एनॉइंटिंग से एलिय्याह ने खड़ा था, वही एनॉइंटिंग से खड़ा था, वही एनॉइंटिंग से एलिय्याह ने प्रचार किया उसका टबरनकल में, द टोकन मैसेज को, टोकन को प्रचार किया। वही एनॉइंटिंग, वही प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड का नीचे प्रचार किया, क्योंकि टोकन आना ही चाहिए। अगर वो प्रचार किया, टोकन आना ही चाहिए। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। ये जो है एलिय्याह का मिनिस्ट्री है वयस। और मेरे फेर भाई बहनों, आप बोलते हो सातवां मोहरा करके सिरदर्द करते हो और झूठा शिक्षा में खड़े हो, 400 नबी लोगों के साथ खड़े हो, आप कैसा देखेंगे? नाश हो गया वयस। ऐसा लोगों के साथ रहने से परमेश्वर अंगार के द्वारा नाश होएगा, क्योंकि ये सब जल के राख होना चाहिए, उसका बाद ही बारिश आएगा। और मैंने आज कहना चाहता हूँ, अभी इनका पीछे अभी बारिश आने वाला है, टोकन आने वाला है। और टोकन जो है, परमेश्वर का नाम को धन्यवाद दें। और टोकन मेरा प्यार भाई देनो, हर एक बिलीवर विश्वासी लोगों के लिए टोकन आना बहुत आवश्यक है। और वो टोकन आने से मेरा प्यार भाई बहनों, ये उसका पीछे, क्योंकि उधर बोला है फॉलोड बाय दैट फायर। कितना ब्यूटीफुल कोट से ये वैसे, पहला अंगार को एलिय्याह ने खींचा और उसका पीछे बारिश आ गया, रोका भी, वापस बारिश को आया। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। क्या विलियम ब्रैनम के समय में वो बारिश नहीं था? बारिश था वो,
रेन था, उसको बोलते हैं फॉर्मर रेन, वैसे एलिजा के समय का बारिश है, वो बुलाया, वो बारिश आ गया फॉर्मर रेन, और आखिरी का बारिश भी आने वाला है। हाउ मेनी सेम है ना, थोड़ा समय एलिजा नहीं था, बाद में वापस आके एलिजा बारिश को बुलाया, बारिश आ गया। वही स्थिति आज भी है, दो बार बारिश आए, एक फॉर्मर रेन, पहले का जो बारिश, बाद में आखिरी का जो बारिश, लैटर रेन, दोनों भी है। पहला रे, पहला बारिश एलिजा ने बुलाया अंगार के बाद आ गया, और उसका अभी आखिरी का जो बारिश है लैटर रेन, रेन जो है आखिरी का जो बारिश है, हम उसके लिए खड़ा है जो आखिरी का बारिश के लिए, और वो बारिश आने से, वो बारिश होने से, प्यारे बहनों परमेश्वर का नाम को धन्यवाद दें, दोनों भी परमेश्वर का प्रेजेंस, उपस्थिति को हमको दिखाता है। वो इस अंगार के द्वारा हम उसका उपस्थिति को देखा, और नेक्स्ट जो है उससे भी बढ़िया बारिश है, उसका उपस्थिति को हम देख सकते हैं। आइए आप लोग सब खड़ा हो जाइए, ये बहुत शॉर्ट मैसेज मैंने प्रचार किया, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। स्वर्गीय पिताजी, ये महान मैसेज के लिए आपको धन्यवाद दें, जो भाई ब्रैनम ने इनको सातों मोहरा में ये कोर्स को मैंने निकाला, और मेरे को बहुत खुश हो गया प्रभु, जैसा ये अंगार आज इस अंतिम दिन में बहुत बड़ा काम किया प्रभु, प्रभु धन्यवाद है। अंगार का द्वारा सब जला के रखा है, सारा झूठा शिक्षा को जला दिया प्रभु, परमेश्वर आपको धन्यवाद बोलना चाहता है। ऐसा तरीके का मिनिस्ट्री हम पृथ्वी में कभी भी नहीं हो सकता है, और हम आज उसके लिए साक्षी है, हम खड़ा है, हम उसका प्रभाव को हम देखा, प्रभु धन्यवाद है। होने दे आपका महिमा, आपका गौरव, छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल करना, आमीन। सर्विस खत्म हो गया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अभी बाय मिनट गाना गाएगा, my provider is grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider is grace is sufficient for me. My God will supply all my needs according to his riches in glory. He will give his angel charge over me. Jehovah Jireh, for me, for me, for me, Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me. My God will supply all my needs according to his riches in glory. He will give his angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares. The lamb, are you fully trusting in his grace? Are you washed in the blood of the lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb?